ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपकी जो बॉडी का वेट है वो घर बैठे बैठे ठीक हो जाए? मैं बताती हूँ ना, अगर आपका दिन प्रतिदिन वेट बढ़ रहा है, आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आपके पास समय कम होता है और काम बहुत ज़्यादा, और आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं जिसकी वजह से आपका जो बॉडी वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसको घर पर करने से आपका जो बॉडी का वेट है वो कम भी होगा, आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट भी रहेंगे और आपको कोई भी डिजीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपने बिल्कुल सही सुना, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नासा अप्रूव्ड वर्ल्ड नंबर 1 अलार्म ग्रीन टी। देखिए कि वो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनको आप घर पर ही करने से आपकी बॉडी जो है टोन्ड में आ जाएगी। इसमें सबसे पहले आता है वॉकिंग। देखिए क्या है कि अगर आप स्लिम फिट रहना चाहते हैं तो वॉक है वो सबसे अच्छी बेस्ट एक्सरसाइज होती है। अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट कर देंगे और 30 से 40 मिनट से वॉकिंग को दे देंगे तो इससे क्या है, आपकी जो बॉडी है वो टोन में आना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये, जो वॉकिंग होती है उसके लिए कोई पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए होता है, आप उसको कहीं पे भी कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं या बाहर कोई छोटा पार्क है आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप को 30 से 40 मिनट देने हैं वॉकिंग करने के लिए। इससे क्या होता है, इससे सबसे पहले आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न होनी स्टार्ट होगी और दूसरा ये है कि आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सेकंड आता है जॉगिंग और रनिंग। अगर आप स्लिम फिट रहना चाहते हैं और अपनी बॉडी का जो वेट है उसे कम करना चाहते हैं तो जॉगिंग और रनिंग को अपनी रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए क्या होता है, एक विसरल फैट होता है जिसकी वजह से आपकी जो नसें होती हैं और जो हार्ट होता है, ये विसरल फैट जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉगिंग और रनिंग आप कार्डियो पे भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि विसरल फैट की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दूसरा ये कि आप बिल्कुल हस्त पुष्ट रहेंगे, आपकी जो सेहत है, आपके बॉडी वेट के साथ साथ आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा ठीक रहती है। इसमें थर्ड एक्सरसाइज आती है स्टेयर केस वर्कआउट, यानी कि सीढ़ियों का ऊपर नीचे चढ़ना। ये कसरत तो आपने सुनी होगी, सुना है लेकिन कभी करा नहीं है। अगर आप इस कसरत को डेली रूटीन में करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप 2 से 3 किलो का डंबल लेके अप्स एंड डाउन करते हैं, स्टेयर्स को चढ़ते हैं और उतरते हैं, इससे क्या होगा, आपकी कैलोरी भी बर्न होगी और दूसरी चीज़ ये आपकी जो हाथ की और पैरों की मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेगी और इससे आपको किसी भी तरीके का हाथ में दर्द या पैर की प्रॉब्लम और दूसरा ये कि बॉडी में भी फिटनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते।